आज का प्रेरक प्रसंग है उत्तर दीजिएगा। सत्ता और अधिकार मनुष्य को प्राय अभिमानी एवं निरंकुश बना देते हैं। ऐसे अभिमानी मनुष्य लोभ एवं स्वार्थ से प्रेरित होकर नीति अनीति का विचार त्याग कर अपने मतलब को ही सर्वोपरि मानकर व्यवहार करने लगते हैं। लेकिन सभी आदमी ऐसे नहीं होते। गुजराती के लब्ध प्रतिष्ठित कथाशिल्पी श्री रमनलाल वसंतलाल देसाई गुजरात राज्य में एक बहुत बड़े बहुत ऊंचे अधिकारी के पद पर कार्यरत थे। जब वे उस पद से निवृत्त हुए तो बड़ौदा में रहकर साहित्य सृजन करते हुए अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक दिन उनसे मिलने कोई सज्जन किसी दूसरे नगर अथवा ग्राम से आए। श्री देसाई ने उनका स्वागत किया, बातचीत हुई और फिर भोजन का समय होने पर वे लोग भोजन करने बैठे। भोजन में अन्य वस्तुओं के बाद अंत में चावल के स्थान पर मोटा दलिया परोसा गया। अतिथि ने उसे छुपछाप खा तो लिया, किंतु बाद में उन्होंने श्री देसाई से पूछ ही लिया, आप तो इतने बड़े साहित्यकार हैं, इतनी बड़ी सरकारी नौकरी से निवृत्त हुए हैं, क्या आप अच्छे चावल की भी व्यवस्था नहीं कर सके? श्री देसाई ने हंसते हुए उत्तर दिया, भाई राशनिंग चल रहा है ना, चावल राशन से जितना मिला वह समाप्त हो गया। आप जैसे व्यक्ति के लिए अच्छे चावल की व्यवस्था करना शक्य नहीं बना। हाँ मित्र, मेरे जैसे व्यक्ति के लिए ही तो यह मुश्किल है। मैं अनैतिक काम नहीं कर सकता, अपने प्रभाव का दुरुपयोग करके अच्छा चावल खाऊं और लोगों के समक्ष गलत दृष्टांत उपस्थित करूं, यह मुझसे नहीं हो सकता। श्री देसाई ने जो उत्तर दिया वह कितने लोग दे पाते हैं, अर्थात कितने लोग हैं जो नैतिक जीवन व्यतीत करते हैं, उत्तर अवश्य दीजिएगा। आज का प्रेरक प्रसंग इतना ही। शीघ्र मुलाकात होगी एक नए प्रेरक प्रसंग के साथ। बने रहे मेरे साथ। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।